कोरोना वायरस महामारी के लिए दुनिया के ज्यादातर देश इस वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। आपने इसको लेकर कई खबरें सुनी होंगी, लगातार कई बयान सुने होंगे, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जापान का प्रधानमंत्री हो, यूरोपियन कंट्रीज के नेता हो, यहां तक कि साउथ अफ्रीका के वो देश जो कि चीन के कर्ज तले दबे हैं, वो भी खुलकर चीन को इस वायरस के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। सरकारें भले ही खुलकर ना बोल रही हों, लेकिन तमाम देशों का मीडिया खुलकर चीन की मुखालफत कर रहा है और वो इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन कुछ देश हैं और हमारे देश का एक मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है जो कि चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि उसके प्रोपेगेंडा में शामिल है, यह बताने के लिए कि चीन दरअसल इस बीमारी का एक विक्टिम है और उस बीमारी से कितनी जल्दी इस चीन ने इसे निजात पा ली, कितनी एफिशिएंटली इस बीमारी से निजात पा ली और आज चीन दोबारा विकास की राह पर दौड़ पड़ा है। इस तरह की खबरें आप पाकिस्तान में देखने को मिलेगी आपको, या फिर हिंदुस्तान के मीडिया के एक सेक्शन में इस तरह की खबरें देखने को मिलेंगी। भारतीय मीडिया में ऐसे अनेकों नाम हैं, अनेकों मीडिया संस्थान हैं जो कि पिछले 3-4 हफ्तों से एग्रेसिवली इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे यह सामने आता है कि दरअसल चीन का इस महामारी से कोई लेना देना नहीं है, दरअसल ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है और वो खुलकर चीन की समर्थन कर रहे हैं, चीन का समर्थन कर रहे हैं, चीन की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम सामने देखने को मिला, वो था एनडीटीवी के रविश कुमार का। रविश कुमार ने अपने शो में हाल ही में कहा कि दरअसल जो चीन की थ्योरी कोरोना वायरस महामारी को लेकर पेश की जा रही है, दरअसल वो एक तरह का छलावा है। ये वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो कि अपनी सरकारों की नाकामी, उसकी जवाबदेही को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चीन की एक मनगढ़ंत थ्योरी को गढ़ा गया है और ये दरअसल एक तरह का प्रोपेगेंडा है, एक तरह का झूठ है। आप सुनिए उस इंटरव्यू का एक हिस्सा। चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे, अभी तो 2-4 ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या COVID-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। अब जब अर्थव्यवस्थाओं के तबाह होने से करोड़ों लोगों की जिंदगी भूखमरी के कगार पर, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गई है, करीब 2.25 लाख मौत के कगार पर पहुंच गए, मौत के मुंह में चले गए, तब जाकर सरकारें सचेत हो रही हैं कि कहीं जनता उनसे ये ना पूछने लगे कि आप जनवरी, फरवरी और आधे मार्च तक क्या कर रहे थे। इसी जवाबदेही के सवालों से बचने के लिए कहीं पर जमात दुश्मन है तो कहीं पर चीन दुश्मन है। हैरानी की बात यह है कि रविश कुमार ने इस वीडियो में जिन शब्दों का, जिन हावभाव का, जिन अर्थों का इस्तेमाल किया है, चीन का जो स्टेट मीडिया है, सरकारी मीडिया है, वो भी पिछले 4-5 हफ्तों से लगभग हूबहू ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वो इसी तरह की नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल दुनिया में जहां जहां कोरोना वायरस फैल रहा है, दरअसल उसका जिम्मेदार वहां की निकम्मी सरकारें हैं और इसका चीन से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात रविश कुमार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मैं बताऊं कि सिर्फ रविश कुमार अकेले नहीं है, बल्कि एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया में, द प्रिंट, शेखर गुप्ता का जाना माना न्यूज प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट द प्रिंट। दरअसल पिछले 2-3 हफ्तों में द प्रिंट में कुछ ऐसे आर्टिकल छपे हैं जो कि चीन के प्रोपेगेंडा को, उसकी भाषा को प्रोपेगेट करते हुए दिखाई देते हैं। एक एक बात जो चीन अक्सर अपने स्टेट मीडिया में कहता हुआ दिखाई देता है, वही बातें, वही शब्दावली द प्रिंट में भी हमें देखने को मिली। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। मसलन चीन ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि इस वायरस का चीन से कोई लेने देना नहीं है, इससे भी जुड़े हुए आर्टिकल द प्रिंट में छापे हैं। मसलन वो ये, चीन ये कहता है कि इस महामारी पर, इस आउटब्रेक पर चीन ने कितनी आसानी से काबू पा लिया और अब चीन वापस जो विकास की राह पर है वो दौड़ता चला जा रहा है। तमाम कंपनियां खुल चुकी हैं, प्रोडक्शन फुली चालू है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक और जो बड़ा आरोप चीन पर लग रहा है वो ये है कि जो चीन की वेट मार्केट है, जो जो वहां
चमगादड़ खाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जानवर खाए जाते हैं, उस पर लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि इस वायरस का जो ओरिजिन है वो चमगादड़ों से हुआ था, और जिस तरीके से लोगों ने उसको कंज्यूम किया है उससे इस महामारी का फैला है। तो इस वेट मार्केट से संबंध में चीन पे जो एक तरह का स्टिग्मा लगा है उसको भी खत्म करने की कोशिश में चीन जुटा है, ऐसी खबरें भी द प्रिंट में देखने को मिली। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। 10 अप्रैल को द प्रिंट में खबर छपी जिसका टाइटल था How China is supporting its markets during coronavirus pandemic। इस खबर से क्या वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन ने आसानी से इस महामारी पर काबू पा लिया और अब चीन अपने मार्केट को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट उठा रहा है और किस तरीके से कोशिश कर रहा है, किस तरीके से वहां पर जो इस महामारी के चलते वहां की मार्केट पर, वहां की इकोनॉमी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं टला है। हैरानी की बात यह है कि जो इसके राइटर्स हैं वो भी चाइनीज ही हैं, यानी सीधे सीधे चाइनीज राइटर को द प्रिंट ने अपना प्लेटफॉर्म थमा दिया। इसके अलावा जो और खबरें देखने को मिली थी 31 मार्च को, जिसका टाइटल था चाइना वॉन्ट्स पीपल टू शॉप ईट आउट वाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लॉक्स डाउन, यानी वो एक तरह का तंज कस रहा है कि भाई जब पूरी दुनिया बंद पड़ी है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, चीन अकेला ऐसा देश है जहां पर मार्केट भी खुला है, लोग बाहर भी जा रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये है चीन की सरकार की ताकत, ये है वहां का जो कम्युनिस्ट सरकार है, सीसीपी गवर्नमेंट है, उसकी ताकत। इस तरह का प्रोपेगेंडा इस आर्टिकल में हमें देखने को मिला। और कई आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूं कि 12 अप्रैल को एक आर्टिकल छपता है द प्रिंट में जिसका टाइटल था चाइना इज गोइंग ऑर्गेनिक एंड इमर्जिंग एज अ लीडर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी चीन की वेट मार्केट्स को लेकर चीन पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहां पर जो अलग अलग तरह के जानवरों को खाया जाता है, अलग अलग तरह के चमगादड़ को, सांप को, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि एक्सटेंशन कैटेगरीज में आते हैं लेकिन उनको वहां पर खाया जाता है, उसको भी, उस स्टिग्मा को धोने के लिए भी चीन इस तरह के आर्टिकल द प्रिंट में छाप रहा है जिसमें वो कह रहा है कि चीन में अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का लीडर बनने जा रहा है, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, चीन दुनिया का लीडर बनेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। इसके अलावा द प्रिंट में एक और खबर छपती है जिसका टाइटल था चाइना हैजंट जस्ट वॉन इट्स वॉर ऑन कोरोना वायरस, इट्स आल्सो बीटिंग यूएस इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, यानी पूरी दुनिया जब चीन पर सवाल खड़े कर रही है इस महामारी को लेकर, जब पूरी दुनिया में चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो तमाम देशों के गुस्से को शांत करने में नाकाम है, द प्रिंट कह रहा है कि चीन का जो डिप्लोमेसी है वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी इफेक्टिव है कि उसने तो यूएस को भी फेल कर दिया है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा हमने देखा कि द प्रिंट में और दूसरे मीडिया संस्थानों में इस तरह के आर्टिकल आपको भरे हुए मिल जाएंगे। आप पढ़िए इन आर्टिकल को, आपको सीधे सीधे लगेगा कि किस तरीके से चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, बड़े चुपके से सरका दिया जा रहा है आपके अपने दर्शकों तक। लेकिन यहां पर इसके बावजूद भी चीन जो है वो इस महामारी से खुद को अलग नहीं कर पा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो चीन ने करीब करीब $1 ट्रिलियन का पैकेज रखा है अपनी डिप्लोमेसी पर खर्च करने के लिए, इस तरह के प्रोपेगेंडा पर खर्च करने के लिए पूरी दुनिया में। अब वो जो उसने नेटवर्क अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मीडिया संस्थानों में फैलाया है उसका इस्तेमाल करेगा चीन की डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने में, अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में। तो आगे तैयार रहिए चीन के समर्थन में इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स देखने को मिलेगा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में। लेकिन इसके बावजूद भी चीन दुनिया का गुस्सा शांत करने में एकदम नाकाम है, यहां तक कि जो वो कंट्रीज हैं अफ्रीका की जो कि चीन के करसले दबी हैं, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां जहां पर चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और वो कर्ज उन देशों पर है, उन देशों ने भी चीन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे देशों में साउथ अफ्रीका है, कीनिया है, युगांडा है, घाना है, नाइजीरिया है, ये तमाम देश चीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि चीन की वजह से उनके देशों को लगातार घाटा हो रहा है, इतना जबरदस्त नुकसान उसका हो रहा है, तो अब जरूरी है कि चीन ने जो कर्ज दिया है या तो वो माफ करे या फिर उसका एक तरह का किसी तरह का डेट उनको जो चुकाना है उसमें उनको समय दिया जाए। बड़े धड़ल्ले से ये तमाम देश चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में जो साउथ अफ्रीका की जो माइनिंग फोरम है उससे उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि
अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को अरबों रैंड्स जो है, रैंड्स जो साउथ अफ्रीका की करेंसी है, अरबों रैंड्स का नुकसान हुआ है। इसलिए जो कर्ज चीन का है उसको अब इस कर्ज को नहीं लेना चाहिए, उसको इस महामारी की जिम्मेदारी लेते हुए इस डेट से छुटकारा साउथ अफ्रीका को देना चाहिए। इसके अलावा कीनिया ऐसा देश है जो कि चीन के अरबों डॉलर के कर्ज नीचे दबा है। युगांडा है, घाना है, नाइजीरिया है, ये तमाम देश जो कि 3 महीने पहले तक चीन के खासम खास दोस्त माने जाते थे, चीन के कहे बिना एक शब्द वो नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज वहां से इतनी जबरदस्त आवाजें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से महामारी के चलते उनकी इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है, अब वो चीन का कर्ज चुकाने में एकदम नाकामयाब है, इसलिए कैंसिल ऑल डेट्स, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से चीन मीडिया के जरिए और अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो दरअसल पूरी दुनिया में अब तक तो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन इसको एग्रेसिवली खेलने वाला है, चीन लगभग $1 trillion पूरी दुनिया के मार्केट में फेंकने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। यानी आने वाले दिनों में ये जो गेम है ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। साथ साथ आप देख रहे होंगे कि दुनिया के तमाम देश धीरे धीरे चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो उस फ्रंट पे भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा जिससे हम लगातार आपको वाकिफ कराते रहेंगे, आपको रोजाना अपने वीडियोस के जरिए रूबरू कराते रहेंगे। तो देखते रहिए जम्मू कश्मीर नाउ। आपको पसंद आया हो तो लाइक, इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, इसको शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।